जबकि आज दिन में जो रेफरी मंडली में जो ऐड हुआ है मनोज हरदा, कल पिछले कल दिन में ये नहीं था और इनके जगह में मंगल सोरेन था। मंगल सोरेन किसी कारण वजह से आज नहीं आ पाया और जिसके चलते उनके जगह में आज मनोज जी आए हुए हैं रेफरी टीम में। सभी रेफरी टीमों को बहुत बहुत बधाई हम देंगे ये मुकाबला संचालन के लिए। और पिछले कल दिन की तरह ही आज के दिन पर भी हर मैच को बहुत ही बारीकी तरह से इन्होंने संचालन किया। शुभारंभ हो चुका है फतेह फरगना क्लब महादेवपुर पाकुड़ और एफसी मलदा के बीच सेकेंड राउंड का ये आखिरी मुकाबला। जानकारी के लिए मैं बता दूं फतेह फरगना क्लब महादेवपुर टीम को आप देख पाएंगे येलो रंग के जर्सी में मैदान के उत्तरी छोर से इस मुकाबला को सामना करते हुए, वही इनके अगेंस्ट टीम एफसी मलदा टीम जो कि मैदान के दक्षिण छोर से इस मुकाबला में ब्लू रंग में, जो कि आप इस टीम को देख पा रहे हैं ये एफसी मलदा की टीम दक्षिण छोर से इस मुकाबला को सामना करते हुए। दोनों ही टीम का पिछला हिस्सा का मैच तो अगर आप देखें एफसी मलदा टीम ने मेजबान टीम सोना संथाल क्लब चाय चंपा गाड़ क्लब दोली टीम को पेनाल्टी के साथ उन्होंने हराया था और फतेह फरगना क्लब महादेवपुर पाकुड़ टीम जो है इन्होंने सनमनी बरही टीम को 2-1 पराजित किया था मैदानी जंग में। तो पिछला राउंड के मैच में महादेवपुर पाकुड़ टीम ने 2 मैदानी गोल दागा था और एफसी मलदा टीम जो है पिछला राउंड के मैच में 1 भी गोल नहीं दागा था। उनके तुलना में अब देखना होगा मलदा टीम का ये मैच कितना बेहतर यहाँ से खेलेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बार जो भी टीम जीतेंगे अगला सफरनामा वे तय करेंगे और आगे वे जाएंगे सेमीफाइनल स्तर में। इस बार आएगा ये ऑफ साइड का ये फ्लैग, असिस्टेंट रेफरी वहां पर काम करते हुए मिथुन शाह, इनके नजर से आप बच नहीं सकते हैं, काफी जानकार रेफरी है ये मिथुन शाह। और ऐसे में इनडायरेक्ट फ्री किक के द्वारा यहां से गेंद को क्लियर किया गया है महादेवपुर पाकुड़ की तरफ से। लोटेड पास इस बार संभावना क्या बनेगा, गोल कीपर थोड़ा सा आगे निकल रहा था, सचिन मरंडी पोजीशन को वहां पर छोड़ रहा था और अंततः आखिरी वक्त में गेंद को अपने ग्लव्स में वहां पर लिया है, पोजीशन वहां पर गवा रहे थे सचिन मरंडी। एक बार मौका हो सकता है लेकिन जिस तरह से वहां पर गेंद के साथ सही कनेक्शन दुगुर को वहां पर नहीं हुआ, दुगुर के साथ अगर गोल कनेक्शन सही रूप से अगर होता तो ये बड़ा झटका हो सकता था मलदा के ऊपर में, काफी करीब का ये अवसर था, लगभग 6 या 7 का मामला था, दुगुर के लिए बड़ा अवसर वहां पर था पहला गोल मारने का। और जब जब यहाँ पर समय गुजर रही है एक एक अवसर और टीम ने बनाया है। देखो लहर का सेकेंड राउंड या उका पहला बेच चलावलन उन्हें अपेक्षा नवा में से नहा गल गया एंते आम बुझो में एहो सुबर की बना टीम को मिनी कोटे उनका ना अवसर बना होगा ना हाँ उन्हें से तो नवा इन नंदा से जोड़ नवा में से गल गया बहन खान यल बोल तीन दूसरा महारिया नवा आखिरी मैच जबकि नवा टूर्नामेंट या सेकेंड राउंड या आखिरी मुकाबला के ना सेकेंड राउंड या नवा चौथा मैच के ना बड़ा टीम फोन की अड़ी जोर सर मुकाबला चला के ना और पहल हाफ या मैच की नियलदा अड़ी जोर सर नोड़े पाई अच्छा पास नहीं था जितलो हुई पेन खान नियलदा हाफ लंडे जहां दो संदीप फ्रागन लाइन गया पेन खान नवा बीच रे गोलकीपर जहां दो ने सचिन मरंडी लहर की पोजीशन बना पड़ा और ओड़े कौन तुरंत के उना बोले हटवा आड़ो पिरा और कहता को हाफ रे जहां का कोई खतरा उड़े बाहर खेलदा नोड बोल लिया पोजीशन फिर से सग्राम यक्ष मन नोड का तितलो अच्छा पास सालिन लगी उन्हें पेन खान सालिन साहब बोल दिया कनेक्शन मोई तरह बाहर हुई ना आनवाल का तो बोल रिबान का तो तीन टकला अपना है आनवाल का तो उन्हें हैंड फोल या मिटेन सही नहीं है एक ना मैच रे फिर मनोजी से कोई आनवाल का तो आपको हाफ कर दिया उन्हें फ्री किक बॉल को जीतो कुदा एफसी मालदा टीम यहाँ तो 7 नंबर का जोना टीम एंड कैप्टन बन गया लेकिन आर अटी जस्ती दुई खड़े मेहनत दा इना ना होगा पहल राउंड ये मैच हम निकल का है जोना दा जहाँ तो 7 नंबर हरा होगा एफसी मालदा टीम को आर फुटबॉल गेम दौड़ना कर गया जो तो थोड़ा बीते मेहनत अटी जोड़ गया
चाहे आम फॉरवर्ड लाइन अंकन हम, चाहे आम हाफ लाइन अंकन हम, चाहे आम गोलकीपर हो कम, गोलकीपर हो मैदानी जंग में नहीं दड़े या उना बात बांग करना जे गोलकीपर दो आया पोस्ट बगल लगी था ना से उन्हें भर की उन्हें कमी उन्हें तो बांग फुटबॉल का थी दरमियान रे अगर अन्य लगा है पूरा ग्राउंड अमा कर गया नवाल का बॉल प्ले खुद बाहर चला रहा डेंजर जो उन्हें उन्हें थ्रोइंग बॉल कुन्याम का एसी मालदा टीम और जहां तक नेल दा जब के उनका ना ग्राउंड है एफसी मालदा से मालदा जिला को जो भी टीम हजू कन खाए तो अयमान उनका इंसान नेल का क्वालिटी झुकल को काटिया मैच से बढ़िया को गोल दा और उनको आ गोल हिसाब से बुझे गया जे नवा मित्र हो गोल दिया उम्मीद थोड़ा कन ज्यादा था नवा टीम रे थोड़ा कन बोल दिया पीछा तो एफसी मालदा टीम ने लेफ्ट विंगर पेंखन जब तक बॉलर दिए क्या राइट हाफ रे पोजीशन को तुरंत के बॉल को वापसी ग्राउंड है पाको टीम जैसे बात तीन नंबर सिमोन अच्छा पास लगा ले गेंद का थोड़ा गन बॉल उड़े बसेर से ऊपर है थोड़े कुंडल जैसे बात तेरा थोड़ा गन राइट विंगर लीला सोरेन बॉल जीतो ऊपर फर्स्ट से हमरा बॉल वहां से चिप लहा ले गया बैन खान हाफ लड़ाई मजबूत गया उड़े एफसी मालदा टीम से कोई और मालदा टीम ने नवा गेम रिटर्न खास छत बना आटो आहा पर बॉल बकुत होयदा फर्स्ट से हमरा दोखन बॉल को डुका डिफेंड लाइन नवा गेम रिटर्न कमी बना जहाल का महा पर आप बॉल अलम्ब होया जबकि बॉल अंजाम दा पहिन धर बॉल क्लियर में अच्छा लो टीम पास प्ले ऑन दिया सर हजु तो लेउडे खोय संभव न हजुवा डायरेक्ट हिट जर खोगी पेन खान थोड़ा गा सही फ्रेम रे उना बॉल बम चलाउना प्रयास अति बेहतर तह के नामल दा टीम खोय डिस्टेंस काफी लंबा तह के नामल खान झेल खोगी टारगेट रे उना बॉल दोहरिया चेष्टा को लगाउना और भई भई ते कुरुमुटो अति जस्ती जलो को नहा मालदा टीम से खोय मेडिकल और नवा चीज क्या गया डिस्टेंस भले लंबा क्यों ना आता है जब भी जहां से खोगी अगर मौका न्या में कर खाए शॉट लगे अगर ताकुर न्या में कर खाए तो पहली धार हम टारगेट पे शॉट लगाना है नोट फ्रंट 14 नंबर जहां दो रवन टुडू मनाया अरे बेहतर एंगल डबल लहा पाउंड है संदीप परियार है पेनखान जब तक संदीप ना बोले न्याम किया तुरंत की पाकुट रिया हाफ लाइन को तुना बॉल को बाहे डूबा फिर से बॉल लिया पोजीशन एफसी मालदा टीम लिया पत्र की यह शंबर टीम ने जहां दौड़े सिमोन बनाया एक छोटा पास लगा ले गेम का थोड़ा गन मिस्टेक पास हुई कि ना तुरंत की बॉल लिया रिकवर होना हुई कि ना पाकू टीम को लीला थोड़ा गन बॉल की तरफ जो काउंट है अच्छा पास लीला लगी उड़े तुरंत की सैलन हमर बड़े गति के दिया सैलन चीज कर रहे मन खान जब तक सैलन उन्हें बोले शॉट लग गया उन्हें खुल हार की बॉल प्ले फ्रॉम बाहर उड़कान था ना और अको हाफ पे तुरंत गेम थ्रोइंग बॉल को नियम दिया एफसी मालदा टीम भाई भाई मैच अड़ी हाई लेवल ले चला देख ना मेन खान याला बोन सुना घरी बाद नहा नमाने से पड़ना भजुआ पास अड़ी बेहतर मेन खान पोजीशन लहर की बनाए खुदा गोलकीपर सचिन उन्हें जहाल करना कोई खतरा बांग और सचिन ने लिखा है ना मित्र हो अड़ी गख भी अंदाज से हर बॉल कीपिंग लेना और नीत नवा मैच में उन्हें एक्टिव टीम ने लिखा अपनी मौज ने लोग अंदर है एंड खानी तला ने जहां तो 14 नंबर ने लिखा सुलेमान हमरम अड़ी कटे उड़े उड़ा कोना सुलेमान और बंखा संदीप इनाम पहिल राउंड में जहां एमा कोटे उनका गलो गलो बोल बाय गलो का और नवा सेकंड राउंड में जो हडी सुचला ने लिखा उन्होंने संदीप जर्स नंबर 15 रे एसी मल्ला टीम को जहां दो अड़ी उसूल खिलाड़ी बनाए आर्मी था संदीप करिया रे ये धार रनिंग लगा ले गया पेन का लहर के गोलकीपर सचिन ने उठुकना अपना पोजीशन रे आरुडिया संदार से बड़े होइना तो आक्रमक क्रिया में लगा थोड़ा गन मालदा टीम अड़ी झल को की टारगेट रहा को सोड़ना आर नवा चीज अड़ी जरूरत गया नवारे आम पूछो या जे गोलकीपर थीना है बढ़ाया उन्हें अनुभव तुम्हें जस्ती बना प्रेस रोटे लगते गया और इंदो नवा के मेरा जब की आम मौका नाम ना पहली धार उन टारगेट सब लगा रहे छिका दे बांग लिया मैं खानी तला रहे प्ले ऑन दिया सा हजुत लुई मीटे अवसर बना बना उड़े डुगरू लगी डुगोर अड़े खड़े उन्हें बोला धो का और बोल धो रहा काफी क्षमता उठे बना और हेवी रोंग टैकल तानम को उन्हें गलत ढंग से जगाते हड़े दिया कुरुमुटी लगा कुछ एफसी मालदा टीम रन काढ़ी और नवाल का देमीटे अच्छा नहीं उन्हें है एक मैच रे भी मनोजी से कोई तो
काफी बेहतर एंगल दिया वहां फ्री किक बॉल को जीते होगा महादेवपुर पाकुड़ टीम और नुंगन एरिया को दलरिया मिटे संभावना धारण करा सुशील जी नुंगन एरिया को अगर नवा सेकंड पोल दिया तो कोनो लो पोजीशन रहे अगर अमा टारगेट धान का मेन खान जाला बोन जहां दौड़े 10 यार्ड या दूरी रहो का गार्डिंग लगाओ का होना गार्डिंग खेल का कुटा दड़ा सुबह नौ जल में नौ लगते फर्स्ट पोल दिया कोनल रहे जहां दौड़े बॉल टकराव करा फिर से पेनल्टी बॉक्स अंदर की काफी खतरनाक बॉल लौटे बचाओ को ना ओकाल का पहला फ्री किक बॉल जहां दो फर्स्ट बॉल लिया का टॉप कोनल रे पोजीशन रे ओना बॉल टकरा को ते बॉल डिफ्लेक्ट करा और आखिरी वक्त रे सही जगह रे अटैकिंग टीम रे खड़ा उठा को दहाई कर गया आर्मी टे सेटिंग शॉट का ते ओना गोल दरे क्या को बेनखान का भी हेवी शॉट नजर आ गया नवाल का ते क्रॉस बार को थोड़ा गन बॉल चिता दे चलावना आर बांखा जी देर की पहला गोल बुनियल किया महादेवपुर पाकु टीम को तो टॉप एंगल दिया बा फ्री किक बॉल का है कना जहां सालन हमरा से कोई उका शॉट लगावलन नीत बक्का टीम को बुझा होगा जे महादेव पाकु टीम ने हो एसटीएम नाड़ी जैसी की ताको हमको टे छमदाड़ी जैसी की ताको या लगभग काफी कोई समय तो बीते होकर रहा एन हो नहीं तभी बना टीम ने परिणाम महादेवपुर पाकु 0 और एफसी मालदा 0 सुशील जी जी बिल्कुल गाती बनारस से कोई लगभग और असर गया और थोड़ा घनी नेला अटेम्प्ट नजरिया से नेले खाए जस्ती आक्रमण हुई करना उन्हें साइड नेटिंग ना और चाहे तो मालदा से कोई चाहे तो महादेवपुर पाकुड़ से कोई ये भी छोटे कोई प्लेयर गया 15 नंबर थोड़ा गन बोल जस्ती टुनुल्ला के दा आई कोई बॉल और प्लेयर्स का रे का डिस्टेंस है करा ना थोड़ा गन थोड़ा गैप ज्यादा है ना अभी भी कहना कुछ भी उचित नहीं होगा इस मैच में जब तक यहाँ पर फर्स्ट हाफ का समय हो तकरीबन समय 15 मिनट का ये फर्स्ट हाफ का अभी चलायमन पर जो रेगुलेशन टाइम है इसी बीच वहां पर लीला सोरेन ने हल्का सा पीछे खेला सुशील के लिए सुशील का एक लंबा एरियल पास वहां पर साइलेंट हेम्ब्रम एक स्कोरर प्लेयर है साइलेंट वहां से गेंद को डीप में खेलने का प्रयास करेंगे महादेवपुर पाकुड़ बट वहां पर ये थ्रोइंग बॉल इसी बीच गेंद पोजीशन आ रही बार मालदा के लिए मालदा जर्सी नंबर 3 पहने हुए खिलाड़ी वहां से गेंद को आगे खेलने का प्रयास करेंगे सुमन सुमन के पास गेंद सुमन ने अपने सपोर्टिंग वहां पर जर्सी नंबर 10 को खेल दिया दीपक के लिए दीपक जब तक गेंद को ले पाते वहां से ओपन बाबू का एक लंबा क्लियरेंस वहां पर लीला की दिशा में लीला ने वहां पर गेंद को कंट्रोल किया है क्या अपने सपोर्टिंग प्लेयर्स को खेलेंगे जी नहीं अभी तक लीला के पास गेंद लीला सोरेन ने कोई बॉल लहाते गति ना एक रूम धुईदा अड़े घड़ी था बोले दो होगा लेकिन नुआ पास ओडिया सेरेन दया नुआ दो तेही नुआ टूर्नामेंट ना नुआ दो मुझे गाती के ना दो सात दिन ना नुआ दो लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच होलावा दिन दे आर्मी दो मुका टीम को सजरा काम से कुछ इतने उका होलावा दिल्ली का बढ़िया सेमीफाइनल लगी जगह किन सुनिश्चित का लेकिन उनकी टीम तो बना किना एफसी दुमका जहां तो दुमका टीम से कोई दो टोटल प्लेयर्स उड़ारन दो बना हुआ एफसी सरजोम बगान सिजवा अपना पड़ा पाकुड़ जहां तो बोन बढ़ाया अड़ी संतुलित टीम का नाम उनको सिजवो टीम दुमका कोई कुकती करने ये बिचारे कोई साइलेंट हेमराम मौज मौका जामले दा साइलेंट जी उड़ा कोई गोल है दरिया किया लतार ते अड़ी मुझे ठेला हो लगी है मैंने कहा उड़े गोलकीपर ना बॉल अड़ी मुझे रीड के थे यार उड़े जगह उड़ा होता अड़ी हद तक कुछ अवकाश है कि साइलेंट ये दोनों ही गोला लेकिन उन्हें बॉल ब्लॉक के थे यार और जहां कोई तो महादेवपुर टीम में से गोल ना स्कोर को बना दिया उन्हें उन्हें मौका ही के सुबह ने बीच में कोई लीला सोरेन ना क्रॉस नहीं पाए पहली पोस्ट की मैंने कहा थोड़ा गाने बाहर मचा लिखा है ओका गोल बॉक्स का तह करा उना कोई थोड़ा गन बाहर ही शॉट लिखाई बाबर गोटे प्लेयर सोडे कोई और की तह करा उडे बादल तह करा बादल बासकी नकते दुगुर टुडू लेकिन मोदरे जहाटा में थे कि नाम के जरूर और उडे भिनड़ना रुबेन टुडू जी बादल बासकी उडे कोई लेलो सोरे लगी लेलो उडे खोय बॉल हाई दीदा बादल लगी
मैंने कहा बादल बॉल सही तरीके से बाई कंट्रोल लाई और कोई बॉल पोजीशन नहीं तो चेंज करना अरे नेले का मानदा टीम हो अजय उका पिछले मैच हुआ थी लेकिन पिछले मैच अपेक्षा हुआ क्वार्टर राउंड रेडी मच हुआ थी कना महादेवपुर लिखन टीम देन प्लेयर्स को नहीं तभी नोटे सब लोग कहते कुछ हो कर पार मालदा टीम होटी मोस्ट टीम का ना मालदा हालांकि थोड़ा गन नुकु टीम से कोई का अटेम्प्ट करना उनका कम नहीं लगना उनका ना शॉट नहीं तभी नुकु ट्राई दरी का मालदा टीम ये भी चुने कोई सग्राम ना बॉल जहाँ लगते हो ना बोले प्ले को ने बाहर किधर उन्हें कोई मीचे थ्रोइंग बॉल को नियामदा मालदा 16 नंबर हरों का खिलाड़ी नुआ बोले क्लियर लाया गोपाल ग्राउंडेड शॉट में क्या उन्हें कोई स्कूले बना अच्छा बाकी साइलेंट दिसे आ जाए उनका तो पिछले हाफ रे उनका मीटर मौका है जामली दा पट्टी मौज उस तरह का ना साइलेंट ना हालांकि उन्हें फिनिशिंग शॉट उन्हें मौज बांग लगा दा इधर करों थे नहीं तभी महादेवपुर टीम सुनिए रे बना पर सिनवा मैच ना स्कोर लेवल सुनिए सुनिए रे बना हर बांग का निश्चित रूप से पहल हाफ के मीटर गोल को जीते उधर या किया महादेवपुर पाको टीम अजय और जी हाँ पहला उका एडिशन दर अवसर उका सालन हेमर बुकाय नन पहल हाफ रिया मैच रे उका न्याम ले और एडिशन रिया उना अवसर है करा मुझे में जेग याद बॉक्स अंदर या उना मामला था करा थोड़ा गान गोल की पड़ा दाया माया अगर सोटे लगा उका है तो पहला संदर गोल नन पहल हाफ रिया मैच की लगा दिया मैन खान थोड़ा गान नहीं तो उना अपेक्षा नवा दूसर हाफ या मैच रे थोड़ा गन आरो जस्ती मेहनत लगा हुई भैया सालन हमरम एंटे वैसे भी नाम पहल राउंड या वैसे नई बड़ी शानदार गोल लगा थोड़ा गन उम्मीद दूसरे तरह ना गोल हजुरिया सुशील जी ये बिल्कुल उम्मीद प्लेयर्स को मना नहीं थे और मैंने दुगुना सोर नहीं ना पाए लगा उन्हें गया उन टारगेट है कि ना और गोलकीपर हो उन्हें की बेहतर उन्हें बोले रीड किधर अटिमोज या ग्लब से दो किधर गोलकीपर सिमांता टुडू ये क्रम में उन्हें कोई डानियल आयरन सपोर्टिंग उन्हें कोई सग्राम में गति या सग्राम उन्हें कोई बॉल लाते बाय गति दरी दा और बॉल ना प्ले पे बाहर ही खेला तो नित हो समय लोकिना अधिकार समय में ना इंतेन वहाँ तकरीबन चार को पांच मिनट का ना समय लगभग हुई लगी यहाँ तक सेकंड हाफ ना उका रेगुलेशन टाइम का ना मैच चलाए मन रहे बना चार को पांच मिनट समय हुई का ना सकल उन्हें कोई ओपन बाबू लगी ओपन बाबू उन्हें बॉल कंट्रोल करते हैं सपोर्टिंग आर्मी दम सकल की उन्हें कहते हैं ये सकल सरंद कोई सुलेमान सुलेमान दो सकल और ये नहीं मुझे उधर उन्हें सकल और सुलेमान अरहन उनकी प्लेयर्स की नहीं जुटी कहना पसे पिछले मैच रे सुलेमान बन्ने लेकर था यहाँ ये कब रहा उन्हें कोई थोड़ा कर मिस्टेक हुई करना हाँ बैंक खंडे कब रही हुई करना सुशील से कोई जहल करते सगी कोई की मीटर सॉट बैंक खाई सात नंबर आनवा सॉट ऑन टारगेट वाला गया उन्हें जरूर बैंक खाई उन्हें ज्यादा गति वाला सॉट बैंक बह करना उन्हें ऐसे सचिन मरंदी उन्हें बोल अरे आराम से उन्हें बोल या ग्लब से धो किधर सात नंबर आप प्रयास चाहता है करना जूना हंसदा वाज है जो टीम रन कैप्टन कराए मालदा टीम से कोई नवा की तारे क्रॉस बंग सुमन मेन का दिए क्रम में बोल ना प्ले कोई बाहर चला उड़ा आरती के थ्रोइंग लगी मौका को यामदा उन्हें मालदा टीम और नवा मैच रे कब तक ना पहला गोल हजू करना नहीं है बिचरे उन्हें कोई लीलो सोरे नायरन सपोर्टिंग सग्राम लगी सग्राम आर्मी दो लीलो के उन्हें सुंदर जाम की दिया लीलो से के बॉल में आने तभी लीलो उन्हें कोई सपोर्टिंग प्लेयर्स लगे रुई जा क्रॉस हाल दा बादल बास की बादल लो उन्हें कोई दुगुर रहेगा थी किया दुगुर उन्हें कोई डीप रहेगा थी किया मेंटे मेंट का उन्हें को कवरिंग की दिया दिया तो प्रयासी नहीं लगा बना टीम से कोई की अजय अरी जोर को प्रयास दा खास करके उन्हें कोई नहीं लेकिन साइलेंट हो या खतर है गोल लगा उनके क्रूम्पिंग कर गया बनकर उनका नाम फिनिशिंग शॉट गोलकीपर के लिए बड़ा डिफिकल्ट साबित हो सकता था शुमांतो टुडू एफसी मालदा टीम की तरफ से गोलकीपिंग करते हुए एक स्पिन भरी शॉट वहां पर बादल बास्की ने लगाया था दोनों ही टीम के बीच एक कड़ी टक्कर यहां पर पैदा हुआ है दोनों ही टीम जाना चाहेंगे सेमीफाइनल के दहलीज में
और एक कदम जो भी टीम जीतेंगे वो टीम जाएंगे सेमीफाइनल मुकाबला के लिए। इतिहास ज्यादा दूर है नहीं, एकमात्र अगर आप जीत जाते हैं तो आप सेमीफाइनल के दहलीज को आगे अचीव करते हैं। यहां से डुगुर के लिए वहां पर गेंद को बढ़ाया जाता है, लेकिन जब तक डुगुर गेंद तक पहुंचते उससे पहले राइट हाफ की पोजीशन से गेंद को इंटरसेप्ट किया गया है। एक बार फिर से गेंद निकल जाएगी, अब गोल आना बाकी है दोनों टीम की तरफ से। काफी मैच दोनों टीम ने खेल चुका है, काफी मैदानी खेल दोनों टीम ने दिखाया है, अब बस बाकी रह गया है इसको लाने का, चोट लगाने का गोल पोस्ट में। दोनों ही टीम ये प्रयास कर रहे हैं कम से कम गोल भागा जाए, और हर एंगल से हर क्षेत्र से ऑप्शन दोनों टीमों ने यहां पर ढूंढा है कि कम से कम गोल भागा जाए। दोनों ही टीम और यहां से आएगा हैंडबॉल का ये इशारा मैच रेफरी मनोज जी के द्वारा, और बहुत ही बेहतर एंगल का ये यहां से जीत लिया है एफसी मालदा की टीम। तो दोनों ही टीम को मैं देख रहा हूं कि दरवाजा तक वे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए दरवाजा नहीं खुला है। कहने का तात्पर्य है पेनाल्टी बॉक्स तक दोनों टीम जाते हैं, लेकिन वहां से ही अभी तक शॉट नहीं आजमा पाए हैं गोल पोस्ट में। इस बार गोल क्या आ सकता था, बॉल के साथ कनेक्शन अगर होता सही रूप से तो वाकई में रॉबिन टुडू वहां पर गोल डाल सकता था। अपना टीम को एक समय इस मुकाबला में रह गया है। अगर प्लान है, अगर आपका सक्सेस नहीं होता है तो प्लान बी को आपको लागू करना है। प्लान बी यही कहती है जो समय आपके लिए शेष रह गया है वैसे शेष समय में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, आपको लॉन्ग रेंज का पास खेलना होगा, एक लंबा पास करना होगा, लंबा डग मारना होगा, और किसी भी क्षेत्र से जब भी आपको मौका मिलता है शॉट लगाने का आपको फर्स्ट टाइम में टारगेट में गेंद को शॉट लगाना है। और प्लान भी अगर आपका सक्सेस नहीं होती है तो मुकाबला टाई में जाएगी। दोनों टीम को कुछ अलग तरह से इस मैच को खेलना होगा। फुटबॉल के लिए वैसा है, फिजिकल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अगर वहां पर वो काम नहीं करता है तो माइंडली गेम खोलना होगा आपको। फिजिकल के साथ साथ आपको माइंडली गेम भी खेलना होगा, तभी आप एक सफल टीम बनेंगे। और दोनों ही टीम कुछ अलग ही अंदाज के साथ इस मुकाबला को खेल रहे हैं। यहां से ऑप्शन ढूंढ रहे हैं गोल दागने के लिए। दोनों ही टीम पेनाल्टी बॉक्स तक जाते हैं, लेकिन वहां से शॉट लगाने का वैसा कोई ऑप्शन नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि डिफेंस लाइन में दोनों ही टीम बहुत ही मजबूती वहां पर प्रदान किया है। और यही एक वजह रह गया है कि अभी तक दोनों ही टीम का परिणाम फतेह फरगाना क्लब महादेवपुर पाकुड़ 0 और एफसी मालदा 0। तो डिफेंस लाइन बहुत ही मजबूत है सुशील जी, और यही एक वजह है, और कतई दोनों ही टीम गलती नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही टीम काफी दूर से आए हुए हैं, और इतना दूर से अगर आप चल के आते हैं तो कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे, और जहां अगर गलती होती है तो वो टीम बहुत ही नुकसान में जा सकती है। और निश्चित रूप से दोनों टीम इस चांस को नहीं गंवाना चाहेंगे, क्योंकि यहां से सुपर फोर के लिए वो जगह क्वालिफाई करेंगे, ये जानकारी इनको जरूर है। और निश्चित रूप से नोडे बनाते मिडल ज्यादा के किन मजबूत करा तो क्वार्टर राउंड लगी जे बांगलुकिन गोल चुक करना बांगलुकिन गोल चुको करना नोडे खोए गोलकीपर ऑफ द लाइन ने तहे कर गया बनकाय उनका ना समय रे अटैकर टीम थे बॉल बांग चला उल्ला और बांग खाए उन्हें खोए लेकिन बॉल को चीप गो का खाए लेकिन पोस्ट पे दोहरे खा गई गोल हुआ लेकिन उनका ना समय रे अटैकर टीम उन्हें कोई मौका बुक जाम लेता क्रॉस जीवा लेकिन साइड नेटिंग हुआ उन्हें गोल किक लगी मौका को जमा नहीं दो मान लो और अजय आम एम नोटिस दरे अगर जहां दो पिछले मैच को गतिल ना मालदा टीम उनको कोई अट्टी जस्ती बदलाव जहां दो मेजबान टीम को तहे कला मेजबान टीम सो गया का गति तहे कना लगभग बड़ा थोड़ा गति ये लेना मैं कह नितो येल ला जे महादेवपुर पाकुड़ लेकन टीम इन तगड़ा चुनौती को एम का को अंड को ऊपर रहे इन बेहतर रुकवा मुकाबला जेल कना और नोडे को हाफ फर्स्ट टाइम फाउल उका दो उम्मीद कोई उल्टा नोडे गति नेलव करा तिही
जहां दो कवरी खोटना भगैया और ना उनका टीम सिलेक्शन उनका प्लेयर्स को कहे का ना टीम रे प्लेयर्स का सिलेक्शन जलते अडी है माधिर होड़ तो मैंने कहा जनवरे निश्चित रूप से रुआ टीम से ही सेमीफाइनल लगी एक क्वालिफाई है उन्हें उम्मीद बुझव कर दिया इनके ओपोनेंट टीम से कोई जोतो नवा प्लेयर्स को गुता है करना उनका दोनों आपको क्षेत्र लगभग मैच को गति है और यहाँ तो कवरी खुना ना कोई कुता है ना जो तो स्टार से फिर एक टीम रहे करना हर लटू टूर्नामेंट रहे लाखों बिना टूर्नामेंट रहे कोई दो हर टीम कोई लगभग उनको योगदान तहन कर दिया लेकिन उनका टीम से ही नाइकी नीम थोड़ा सुबह पिया को गोल चुना और अनुपा प्ले स्टाइल अजय पिछले राउंड अपेक्षा में क्वार्टर राउंड अड़ी बेहतर गेम मीठे तकनीकी गाती मीठे माइंड गेम लोगों को गाती करना जैसे चील का ओपोनेंट टीम दराम गते बंद हो दली को साउथ गते ओपोनेंट ऊपर है आक्रमण गते गोल को हटा दलिया नवा मीठे प्रयास लोग का नाम मानदती मानवा दोसार राउंड ना मैच रहे अजय और नवा बाड़ी सही कथा गन एंड जब की नीचे टीम अगर जीतो चला गन खाए तो उनिया मीठे अलग की जोशी ला अलग की मीठे जज्बा से अलग की मीठे दाढ़ी उनिया बढ़ाओ बिकना अब उनके इनान भले इनान मालदा टीम लिया उनका सामना तो है करना मेजबान टीम साथ इन बेहतर मैच बको दुलदा और एकमात्र पेनाल्टी माध्यम से कि नुकू टीम जीतो को न्यावलदा तो जब की मीटे टीम में जीतो रखा तो कन खाए तो उन्हें अलग ही मीटे दाढ़ी नहीं हमला अलग ही मीटे उन्हें मीटे जोशीला और उन्हें जोशीला सलाह की नहीं तो नवा मैच को सामना होगा उन्हें सब तो महादेवपुर पाकू टीम हो मजबूर होगा हुआ थोड़े बकू गल चुका हुआ मेन खान जलवा मेत्रिया सारे कर समय बुनियाला आखिरकार बाहर टीम से कोई चेक गल हजू समा ऐसे वैसे फिर ये कौन हारे होगा और नियल का नियर और